नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ऑल अबाउट कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट आइसक्रीम। इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में मज़ेदार है, बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है और ये बहुत ही लाजवाब, टेस्टी और यमी है। तो आज हम इसको बनाएंगे, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कोको पाउडर 4 चम्मच के करीब, ये मैंने लिया है। और ये है क्रीम, ये फ्रेश क्रीम लिया है मैंने मलाई से बनाकर। और ये है कंडेंस मिल्क, जिसको मिल्क मेड बोलते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है। और 2 मैंने लिए हैं डेरी मिल्क। और ये है चॉकलेट सिरप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाउल में ये कंडेंस मिल्क को डालते हैं, ये एक छोटे बाउल के करीब मैंने लिया है। और इसमें अब हम डालेंगे ये कोको पाउडर 4 चम्मच के करीब है। और इसको डालने के बाद हम इसको अब इसको अच्छी तरह राउंड राउंड करते हुए धीरे धीरे से हम इसको मिलाएंगे। पूरा ये कोको पाउडर इसमें हमें मिलाना है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा मिक्स हो चुका है। ये वेरी नाइस, बहुत अच्छा दिख रहा है, देखो देखने में पूरा कलर आ चुका है इसके अंदर। अब हम डालेंगे इसमें चॉकलेट सिरप 2 चम्मच के करीब, ये आप इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शन में है, इसमें मैंने डाला है। तो इससे क्या होता है कि इसका कलर और डार्क हो जाएगा, तो चॉकलेट हमारी और भी अच्छी बनेगी, चॉकलेट आइसक्रीम। और इसको फिर हम मिक्स करेंगे, ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ गया इसके बाद डालने के बाद। और इसके बाद हम डालेंगे ये जो क्रीम लिया है मैंने, इसको चम्मच से थोड़ा राउंड राउंड करके फेंटते हुए इसमें डाल देंगे। ये फ्रिज की क्रीम थी और ये फ्रेश क्रीम है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा थिक लिया है। आप चाहें तो इसको लिक्विड भी ले सकते हैं, थोड़ा गीला भी ले सकते हैं, मैंने इसको क्रीमी बनाने के लिए इसको थोड़ा थिक लिया है। ये देखिए धीरे धीरे इसको मिलाना है और इसमें बहुत ही ये इससे क्रीमी हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें कलर आने लग गया है और ये मिक्स होके तैयार हो गई है, ये पूरा मिल चुका है अच्छी तरह। तो देखा आपने ये कितना इसको बनाना आसान है, बस ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसको हम अब क्या करना है, अब हम ये चीज चॉकलेट जो लिया था हमने, इसको बारीक बारीक पीस में काट लिया है, जैसा भी शेप आप देना चाहें इसमें। और आप चाहें तो चॉकलेट वाली जो चिप्स आती हैं, चोको चिप्स, उनको भी आप इसमें डाल सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरीके से कोई भी चॉकलेट के पीसेस करके आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसको खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरीके से डाल के आप बनाते हैं तो। और इसको एयर टाइट डब्बे में आप इसको डाल दीजिए, यह हम इसमें डाल रहे हैं। ये अच्छी तरह पूरा इसका जो पूरा डाल देंगे, ये देखिए। इसके बाद जो एक दूसरी चॉकलेट थी उसके भी मैंने पीसेस करके इसमें डाल दिए ऊपर से, ये डाल दिए। अब ये इसको हम फ्रीजर में रखेंगे 8 से 10 घंटे के लिए। अगर आप इसको रात को बना रहे हैं तो आप पूरी रात के लिए इसको
फ्रीजर में रख दीजिए और सुबह आपकी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इस तरीके से फॉइल पेपर से इसको कवर करके फिर आप इसको बंद कर दें, और आप चाहें तो डायरेक्ट ही किसी भी डब्बे में आप इस तरीके से एयर टाइट डब्बे में डाल के रख दें। ये हमारी बनके तैयार हो गई है। 8 से 10 घंटे इसको हो चुके हैं। मैंने इसको चेक करते समय इसका फॉइल पेपर हटा दिया था। अब आप इसको खोल के देखते हैं, ये बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। इसको हम चम्मच की सहायता से इसको हम निकालेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह जमी है और इसको हम बाउल में डालेंगे। आप देख सकते हैं अब ये आइसक्रीम हमारी, हमने बाउल में डाल दिया और हमारी आइसक्रीम बनके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए।